इन्होंने कहा है कि एक स्टार रेटिंग सिस्टम आएगा आपके जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं एडिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके कि अगर हाफ स्टार है तो बेकार है इट इज बैड फॉर यू एंड फाइव स्टार है तो मतलब इट इज हेल्थियर इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स तो ये स्टार रेटिंग कैसे काम करेगी कौन देगा वो तो खैर मैंने बता ही दिया है और कौन कौन इससे एग्जेप्टेड है और कंपनी इसको अप्लाई कैसे कर सकती है तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एंड इस सीरीज के अंदर टू द पॉइंट के अंदर हमारा मकसद भी यही रहता है कि हम लोग ऐसे टॉपिक्स को उठाएँ जहां पे करंट अफेयर्स को हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं एंड इफ यू वांट टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली जिसके अंदर आपका मेंस भी कवर हो प्रीलिम्स भी कवर हो एंड एक होलिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सो वी हैव दिस कोर्स दैट इज ऑलरेडी रनिंग इट इज फॉर प्री एंड मेन्स बोथ इट इज रन बाय मी

क्या बोलता है किसने दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कंट्रीज एपेक्स फूड रेगुलेटर हैज रिलीज ए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर ये इंपॉर्टेंट है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पैक के फ्रंट के ऊपर स्टार रेटिंग रहेगी आगे देखते हैं द रेगुलेशन विल रिक्वायर प्री पैकेज फूड टू कैरी अ स्टार ग्राफिक पे क्या है थोड़ा सवाल घुमाया जा सकता है कि इट विल बी लाइक वन टू फाइव है बट हमने क्या देखना है कि हाफ टू फाइव है जैसा मूवीज की रेटिंग में होता है एंड ऐसी रेटिंग हमारी सरकार ने पहले भी एक सिस्टम के थ्रू करी है ब्यूरो ऑफ एफिशियंट एनर्जी करके बीई के जो लोग आते हैं जो आपके एसीज एंड ऑल के ऊपर आप देखते हैं अपला के ऊपर थ्री स्टार फाइव स्टार है गुड मूवी kind of kind of like और यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जो द फाइव स्टार चॉकलेट आती है कैडबरी की उसको कितनी रेटिंग मिलेगी इट इज ऑलरेडी फाइव स्टार एनी जोक्स अ पार्ट मूविंग फॉरवर्ड स्कोरिंग का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है यहां से भी जो है आपके सवाल जो है वो बन सकते हैं नंबर वन इज कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी ये जो हम किलो कैलोरीज के अंदर नापते हैं इसको ये उसकी बात हो रही है कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैट शुगर सोडियम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जिसको एफ से डिनोट किया जाता है नट्स लेग्यूम्स एंड मिलेट्स इसको एनएलएम शॉर्ट में लिखते हैं अगर आप कहीं और नोटिफिकेशन में देखो एनएलएम लिखा होगा तो उसका मतलब ये होता है खाने पीने से रिलेटेड अगर कोई चीज है एनएलएम का मतलब नट्स लेग्यूम्स एंड मिलेट्स डाइट्री फाइबर एंड प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ सॉलिड फूड्स और 100 एम लिक्विड फूड्स ठीक है जी उसके हिसाब से ये आपके जो है स्कोरिंग होगी क्राइटेरिया होगा स्टार्स मिलेंगे द सॉलिड स्कोर अब ये इंपॉर्टेंट है ऑफ मोर देन 25 फाइव विल बी गिवन हाफ स्टार एंड दो विद स्कोर लेस देन माइनस इलेवन प्लीज नोट माइनस इलेवन से नीचे टिंग फाइव स्टार्स तो मतलब अगर आपका स्कोर इसमें हाई आ रहा है मतलब अनहेल्दी है अनहेल्दी चीजों की जो तादाद है वो ज्यादा है कम आ रहा है तो माइनस मतलब इलेवन तो, से नीचे वालों को फाइव स्टार पच्चीस से ऊपर वालों को जीरो पॉइंट फाइव स्टार मूविंग फॉरवर्ड यह भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे टॉपिक का एग्जेपन क्या क्या है इसके अंदर कौन कौन से पैक्ड फूड प्रोडक्ट हैं जो इस रेटिंग से बाहर रहेंगे फूड सच एस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वे बटर ऑयल घी वेजिटेबल ऑयल फैट फ्रेश एंड फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रेश एंड फ्रोजन मीट एग फिश फ्लार एंड स्वीटनर्स विल नॉट हैव टू डिस्प्ले द स्टार रेटिंग क्या होता है कि यह है आपका प्राइमरी सेक्टर इसके बाद में क्रॉप्स वगैरह निकली हैं सब निकला है इसके बाद में आपके बने प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स जिसको बाय uh, प्रोडक्ट्स नहीं इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स लाइक आपका आटा है ना फ्लावर जिसको कहते हैं फ्लावर वी हैव शुगर एटसेट्रा तो इन सब को हम कहते हैं कि दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट इसके बाद में ये जाता है इन दी मेन प्रोडक्ट जिसकी हमने रेटिंग करनी है नो मेन प्रोडक्ट हैज मैनी इनग्रीडियंट्स वी कैन नॉट से कि शुगर अपने आप में बैड है इफ इट इज देयर शुगर इज नॉट बैड इट इज बैड इफ इट इज पुट इन अ प्रोडक्ट एंड कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज दैट इज वाई दीज आइटम्स दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेटिंग मूविंग ऑन कार्बोनेटेड बेवरेजेस विदाउट एनी एनर्जी और शुगर विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल फॉर डिक्लेयरिंग द रेटिंग जैसे सोडा बॉटल्स होती है ना दे डू नॉट हैनी एनर्जी और शुगर इन दम सो दे एग्जेप्टेड प्रोसीजर कैसे है ऑल द नॉट मैंडेटरी द नोटिफिकेशन स्टेटेड दैट फूड बिजनेस इज मे एड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टू दोगो गिविंग डिटेल ऑफ एनर्जी शुगर सैचुरेटेड फैट एंड सोल्ट कंटेंट कि यार इतना ज्यादा घपला ना हो जाए उसके अंदर कि लोग रेटिंग को देख के एकदम से छोड़ना चाहिए तो आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन साथ में दे सकते हो टू जनरेट दी स्टार रेटिंग लोगो फॉर द प्रोडक्ट द फूड बिजनेस हैव टू सबमिट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसर्न ऑन एफ एस एस एसकॉस इनका सिस्टम है जिनको फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम बोलते हैं उस पोर्टल पर जाके उसमें जाओगे और आपका जो लोगो है वो कितने स्टार्स है वो जनरेट हो जाएगा क्यों इसको कर रहे हैं इसके पीछे एक प्रॉपर कारण है वो कारण क्या है देर वॉज अ चेंज इन कंजन पैटर्न इन सेवरल अमेरिकन कंट्रीज दैट इंप्लीमेंटेड सच वार्निंग वहां पे ना को कोका कोला एंड ऑल इसका इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है इनकेस अगर आपने सुना भी होगा या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं इससे रिलेटेड कि कैसे वो एक एपिडेमिक की तरह फैलता है वहां पे फैल गए देर इज अ पर्टिकुलर विलेज आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंट्री बट लैटिन कंट्री ही है वो जहां पे दैट होल विलेज कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कोका कोला ट्वेंटी फोर परसेंट ड्रॉप इन शुगर जब हमने कुछ इस टाइप का पैटर्न चेंज किया था so, वी है सवाल क्या बनता है पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन आंसर इट ऑन यूर ओन फर्स्ट आई विल मूव ऑन पहले हमने देखने के पूछा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है इन द कॉन्टेक्ट ऑफ इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग नंबर वन इट इज डेवलप

नहीं ये तो इनग्रीडियंट का पार्ट बन जाते हैं सो द आंसर बिकम्स एनली करेक्ट पूछा है और ये अगर incorrect पूछा होता, तो हमारा कुछ मतलब बी एंड सी ओनली हो तो आप लोग समझते हैं सो माई नेम इज रोहित्री टू ज्वाइन द्लास यू गेट सेवन डेज फ्री ट्रायल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन दिस इज अभिमन यू आई एस